एसएससी स्टेनो का एग्जाम आ गया सर, स्किल टेस्ट आ गया, क्या करें? सिंपल है, छोटा सा वीडियो, ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। आप एग्जाम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू राइट नाउ। आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी आउटलाइंस इंप्रूव होगी, टाइपिंग अच्छी होगी, सब कुछ बेहतर होने वाला है। हमारे यहाँ पे स्पीड बैच डेली चलती है, शाम को 8:30 मैं लाइव आता हूँ। वहां पे मैं दो मैटर्स देता हूँ आपको, एक तो जनरल मैटर है और एक लीगल मैटर है। जनरल मैटर भी दो स्पीड पर दी जाती है, 80-90 वर्ड के आसपास की स्पीड होती है पहले मैटर की, देन सेम मैटर की आपको स्पीड इंक्रीज करके 100-110 के आसपास स्पीड दी जाती है। देन आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, दोबारा लीगल मैटर दी जाती है। अब आपको आकर क्लास में डेमो लेना है, डेमो के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको टाइप करना है SHD डेमो, ठीक है, SHD मतलब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का डेमो, SHD डेमो टाइप कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपको लाइव क्लास में आके डेमो लेना है मेरे डिक्टेशन का, उस जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है, जो इतना पावरफुल एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाया है। देखिए, चाहे SSC हो या कोई गवर्नमेंट की और बॉडी हो, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, ये सब लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये सॉफ्टवेयर पे होता है। अभी सॉफ्टवेयर कहीं आसमान से तो गिरा नहीं है, इंसानों ने बनाया है, राइट? तो यही इंसानों से हम लोगों ने भी सॉफ्टवेयर बनवाया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वो सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, कुछ भी हाफ मिस्टेक नहीं है, सब कुछ वहां पे फुल मिस्टेक है, कॉमा इज अ फुल मिस्टेक। ऑफकोर्स हमें फिल्टर दिए गए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड वाले, वो फिल्टर आप यूज कर करके आप आगे बढ़ सकते हो। बट जो लेवल ऑफ मैटर हम देते हैं, जनरल मैटर आप किसी दिन आके देख लीजिए, इतना मजेदार मैटर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं SSC अब वो लेवल की नहीं रही। आप देख सकते कोर्ट में जनरल मैटर, वो भी काइट के ऊपर, जस्ट इमेजिन कहां पे चीजें जा रही हैं। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग, यू कैन नॉट रिलाय के पक्का केस ही आएगा। आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो क्या करोगे? जैसे एग्जाम हॉल में बैठे लिखने और पहला वर्ड आपके कान में पड़ा, आपको आदत क्या होती है, मिस्टर चेयरमैन सर, मिस्टर स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर्स, ये वर्ड्स की आपको आदत होती है। लेकिन ये वर्ड्स अगर नहीं सुनोगे तो क्या होगा? कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो कि लिखते लिखते पहले ही शब्द में आप एकदम हड़बड़ा जाओ, एकदम दगमगा जाओ, डर जाओ, और आपके मन में ये ख्याल है कि गई सरकारी नौकरी का सपना तो गया, इस बार मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये सभी चीजों से अपने आप को बचाना है, अपने आप को एग्जाम में इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखना है कि वो जो एग्जाम स्टार्ट होने से जो 10 सेकंड पहले का टाइम रहता है ना, उसमें जो बोलते हैं ना कि डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 10 सेकंड्स, प्लीज बी रेडी, तो उस 10 सेकंड में दुनिया का पता नहीं क्या क्या ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है। कब आता है? जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और वहीं पर एक बच्चे को दिमाग में कोई ख्याल नहीं, ही इज कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट कि मैं एग्जाम तो क्रैक कर लूंगा, मैंने हर एक वर्ड की प्रैक्टिस की है। ऐसे एग्जाम सॉफ्टवेयर जहां मैंने प्रैक्टिस की है, जहां पे हाफ मिस्टेक ही नहीं होता है, सब कुछ फुल मिस्टेक है, और वहां पर मेरे 5% से भी कम मिस्टेक आ रहे थे। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट स्टूडेंट हैज। दिस इज द स्टूडेंट हु क्रैक्स MEA की एग्जाम, दिस इज द स्टूडेंट हु गोज फॉर ग्रेड सी एग्जाम, ना कि नॉर्मल बच्चे जो 200-300-400 रुपए मंथली फीस में अपना गुजारा कर लेते। देखो, करियर की बात है, दोबारा आपको इस लेवल की गाइडेंस, इस टीचर की गाइडेंस आपको मिले ना मिले पता नहीं है, ये टाइम वापस आए नहीं है पता नहीं, यू नीड द बेस्ट गाइडेंस एवर। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं तो मैंने इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट रेलवे के एग्जाम में आई हैव स्कोर 293 आउट ऑफ 300 मार्क्स इन शॉर्ट हैंड, मेरा थर्ड रैंक था ऑल ओवर सेंट्रल रेलवे, जहां पे मुझे बहुत ही बड़े ऑफिसर के सामने पोस्टिंग मिली है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विच आई ब्रिंग इन, व्हाट इज द लेवल ऑफ शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस विच आई ब्रिंग इन विथ माय क्लास। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे यूजुअली शॉर्ट हैंड की एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, बट रेलवे इज वन सच एग्जाम जहां पे शॉर्ट हैंड के मार्क्स होते हैं, एंड टाइपिंग में भी इज वन ऑफ द टफेस्ट, जहां पे स्टेनोग्राफर्स को टाइपिंग करते वक्त, मतलब हमारे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन हम देखे टाइप कर रहे हैं, वहां पर भी बैक स्पेस इज नॉट अलाउड। जस्ट इमेजिन कि किस लेवल की हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हमने वर्ड को देखा और हमने टाइप कर दिया, हम मतलब सही टाइप किया, अगर गलत किया तो गलत हो गया। इस टफ एग्जाम के माहौल में मेरे बस 7 नंबर्स कटे थे, आई गॉट 293 मार्क्स। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ टीचर देन बेटर नो अबाउट हिज नॉलेज। अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे आते, जैसे अभी एक बच्चे का केस आया था कि हिंदी टीचर था, हिंदी टीचर, हिंदी स्टेनो टीचर नहीं, हिंदी टीचर, उसको शॉर्ट हैंड ढंग से आती भी नहीं थी, बट ही समहाउ कन्विंस दैट स्टूडेंट के वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखा देगा, एंड बस क्या बुक देख देख के सिखाना होता है, क्या करना है इसमें, ठीक है। इतना तो लोगों को लगता है कि यही मुझे प्रॉब्लम है स्टेनो फील्ड से, कि ऐसे जो झोला छाप टीचर आ जाते हैं बच्चों का करियर खराब करते हैं, उस बच्चे का 4 महीने खराब हो गए, अब वो मेरे पास मारा है, सर प्लीज शॉर्ट हैंड मुझे सिखा दो, सर प्लीज अपने बेसिक बैच में एडमिशन दे दो, मुझे आपसे सीखना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी टीचर से सीखो तो बेटर नो देयर क्वालिफिकेशन, बेटर पूछो कि सर क्या आप स्टेनोग्राफर हो, आपने कभी कोई एग्जाम क्रैक की है? मैंने तो खुद अपनी बात करूं तो मैंने SSC एग्जाम 2 बार क्रैक की है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम क्रैक किया, रेलवे के एग्जाम क्रैक किए, लॉट ऑफ एग्जाम्स आई हैव क्रैक्ड, उसके बाद में मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद में ये नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इट इज योर डिसीजन कि कहाँ पे आपको आना है। एग्जाम सॉफ्टवेयर पे जो इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग करके वहां पे आपको कम से कम टाइम में अपनी स्पीड एक्यूरेसी एवरीथिंग इंप्रूव करनी है, या यहां वहां जाके 200-300 रुपए वाले कोर्सेज में आपको अपना टाइम वेस्ट करवाना है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। एंड इसके अलावा मैं बता दूं हमारे क्लास में और क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको डिक्टेशन मिलते हैं, प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं उनकी आउटलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड मैं चाहता हूं कि जो सिंपल वर्ड है जैसे इज, एम, आर, हिज, वुड, व्हाट, शुड, इजी वर्ड्स जो है, ये आपकी आउटलाइंस खुद आनी चाहिए। हर एक चीज स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, जब आउटलाइंस खुद बनाओगे तभी आपको याद रहेगी। और सॉफ्टवेयर पे आप अनलिमिटेड टाइम डिक्टेशन लिख सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार लिख सकते हो। करना क्या है, इस नंबर पे आपको डेमो लेना है और क्लास में ज्वाइन करना है। व्हाट इज द फीस ऑफ द क्लास, इस नंबर पे जब आप आओगे आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली इतना समझ लो कि भाई लूट नहीं रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं उसका कुछ कॉस्ट होता है, वो जो सर्वर वहां पे उसका कुछ कॉस्ट है, मेरे टाइम का कॉस्ट है, आपके टाइम का कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि सस्ती चीजें ले लो तो यार डेफिनेटली आपको क्वालिटी भी सस्ती मिलेगी, और सस्ती चीजों से मालूम है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप समझ लो कि भाई अच्छी फीस देके, अच्छी एजुकेशन लेके करियर सेट करना है, अच्छी जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। आपको मालूम है कि एक स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ स्टेनोग्राफर, चैट बॉक्स में नीचे लिखो, कमेंट बॉक्स में मुझे देखना है कि कितना नॉलेज है आप लोगों को, स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है पर मंथ, ठीक है, लिखो। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होती है सैलरी, वो सैलरी के सामने टेल मी कि इज दिस द अमाउंट विच यू आर विलिंग टू पे। सर 100 रुपए में शॉर्ट हैंड सिखा दो ना, सर 5 रुपए में सिखा दो, 10 रुपए में सिखा दो, दिस इज नॉट द वे यू टेक समथिंग प्रोफेशनली। कोई चीज अच्छे से करना है उसकी रिस्पेक्ट करो, शॉर्ट हैंड की आदर करो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, एग्जाम क्रैक करोगे और जॉब लगेगी, नॉट जस्ट जॉब, आपको टॉप तक भी आप जाओगे इफ यू रिस्पेक्ट अ थिंग, ठीक है। तो दिस वॉज माई मैसेज, दिस वॉज द अनाउंसमेंट ऑफ अवर बैचेस विच इज गोइंग ऑन। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला है आज के सेशन से। और हमारे क्लास में हर सेशन के बाद में मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, ऐसे बाकी टीचर्स की तरह नहीं आया क्लास के और भाग गया, ऐसा नहीं करता हूं मैं, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली एवरी डे वैल्यू देता रहता हूँ। सो इट इज ऑन यू टू डिसाइड कि यू वॉन्ट दैट वैल्यू, और एल्स यू कैन इवन रिलाय ऑन यूट्यूब पे जो फ्री डिक्टेशन मिलते हैं, वो तो हमेशा आपके पास रहने ही वाले हैं। इवन हमारे चैनल पे भी फ्री डिक्टेशन धीरे धीरे आपके पास में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू इन माई स्पीड क्लास शाम को 8:30 बजे लाइव, ठीक है।